कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हिस्ट्री के पूछे गए थे उसको डिस्कस करूंगा। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए और यह एनालाइज कीजिए कि कहां से क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री और जो है मॉडर्न हिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए थे, और यही से आपका जो है रणनीति किस प्रकार से जो है आप एग्जाम को करेक्ट करेंगे तो उसकी रणनीति आपको पता चल जाएगी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस को और कहां से आपको पढ़ना है। तो किसी भी कंपटीशन को पास करने के लिए आपको एक रणनीति के तहत काम करना होगा, एक जो परफेक्ट सिलेबस होना चाहिए उसके लिए, जहां से क्वेश्चंस आते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है और जहां से नहीं आता उसको भी थ्रोली रीडिंग करना है। ऐसी बात नहीं है कि अगर पिछले बार वर्ल्ड हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चंस थे तो इस बार भी वहीं से रहेंगे, ठीक है। लेकिन 9th-10th के सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री है तो इसका चांस ज़्यादा है और यहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, लेकिन फिर भी हमें कंप्लीट जो पढ़ना पड़ेगा। तो इस पोर्शन को हम कुछ ज़्यादा डीपली और अच्छे से ढंग से करेंगे, बाद में बाकी जो टॉपिक है उसको हम थोरली रीड करेंगे, ठीक है। और पिछले बार क्या था कि 50-50 नंबर के दो क्वेश्चंस, दो सेक्शंस करने थे, हिस्ट्री पॉलिटी या ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स इस टाइप से। लेकिन इस बार अभी तक ना ही फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का सूचना लिया गया है कि कौन से दो सब्जेक्ट के लिए आप भर रहे हैं, और ना ही जो है किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन साइट पर है। तो इसका मतलब है कि अगर चेंज नहीं होता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, तो चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस 25-25 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना थोड़ा कम लग रहा है। देखिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेस्टिल जो क्वेश्चन है। प्रथम, बेस्टिल का पतन कब हुआ, ठीक है। तो बेस्टिल का पतन हुआ था 14 जुलाई 1789। यहाँ पे मिस्टेक है क्योंकि ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, और बेस्टिल जो एक स्थल है और वहाँ पे जो एक कारागृह था, यहाँ से जो कैदियों को मुक्त करा करके जो क्रांतिकारियों ने निरंकुश शासन का जो है यहाँ पे अंत का शुरुआत किया था, तो यह प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तो 14 जुलाई 1789 याद रखेंगे, फ्रांस की क्रांति से संबंधित है बेस्टिल का पतन। उसके बाद है, विधि का आत्मा नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो यह मोंटेस्क्यू की रचना है, विधि का आत्मा, जिसमें कि उन्होंने जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधित ये तीन अलग अलग विषय को पृथक्करण करके बताया था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, विधि की आत्मा नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो मोंटेस्क्यू। उसके बाद है आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, तो आपको पता होगा कि 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध चलता है, जिसका तत्कालीन कारण सेराजेवो हत्याकांड, जिसमें क्या होता है कि आर्कड्यूक फर्डिनेंड जो कि बोस्निया की राजधानी सर्बिया सेराजेवो पहुंचते हैं और वहां पे उनकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। जिस कारण से जो है, ये मैं पूरा टॉपिक क्लियर करूंगा, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जब मैं बताऊंगा आपको तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो ये याद रखना है आपको, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में, ठीक है, 28 जून 1914 को यह जो गए थे, और उसी दिन से जो है यह क्रांति जो है स्टार्ट हो जाती है इनकी हत्या के बाद, ठीक है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रथम विश्व युद्ध, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था, तो आपको पता होगा कि अमेरिका ने जापान पे दो बम गिराए, एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी, 6 और 9 अगस्त को। तो सबसे पहले 6 अगस्त 1945 को कहाँ पे गिराया गया, तो हिरोशिमा। तो ये याद रखना है, आपको पता ही होगा कि 6 अगस्त को हिरोशिमा पे गिराया गया और 9 अगस्त को जो है नागासाकी पे गिराया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 का A, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, आप गौर करें तो आप बड़ी आसानी से ये सब क्वेश्चंस को जो है वहाँ पे कर सकते हैं, और कुछ नहीं है, आप एक बार थ्रोली इसको जितना भी, और मैं PDF आपको सारा अवेलेबल करा रहा हूँ, तो उससे क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चंस आपके बाहर नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल सारा क्वेश्चंस यहीं से रहेगा। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ, ये तो सभी को पता ही है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ, हिटलर कहाँ का था, जर्मनी का, ठीक है, और इसी ने नाजीवाद पार्टी की स्थापना की थी। तो चलिए टिक लगा लेते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है ना, 50 क्वेश्चन जो है 10 से 15 मिनट में बनाने वाला रहता है, ठीक है, ये आप आसानी से कर सकते हैं, बस एक बार थ्रोली पढ़ लीजिए। अब देखिए, लाल सेना का गठन किसने किया था, तो आपको पता होगा, ये 9th-10th में आपने पढ़ा होगा जो लाल सेना का गठन किसने किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, स्टालिन, ठीक है, लाल सेना का गठन किसने किया था, तो स्टालिन। उसके बाद है आपका,
अंकोर वाट मंदिर आपको पता ही होगा, अंकोर वाट मंदिर कहाँ है, तो यह है कंबोडिया में। कहाँ पर है, तो कंबोडिया में। तो ये याद रखना है, अंकोर वाट मंदिर, ठीक है, जो भारत से बाहर जो मंदिर है वो है आपके कंबोडिया, जो कि पूर्वी एशियाई देश हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। तो इसको आप याद रखेंगे कंबोडिया के बारे में, ठीक है, कंबोडिया। उसके बाद है, तुगलक वंश का इतिहास किस ग्रंथ में संग्रहित है। तो तुगलक वंश, तो सबसे यहाँ पे आप जानेंगे जो मुगल जो भी आते हैं तो उससे पहले जो तुगलक, ये जो जिसमें फिरोज शाह तुगलक वगैरह होते हैं, मुगल से पहले ये जो आपका ये गुलाम वंश रहता है उसी समय जो है ये तुगलक भी आते हैं, ठीक है। तो तुगलक वंश के बारे में जो इतिहास में संग्रहित है, तो आप देखिए ऑप्शन देखिए, तारीख़ फिरोजशाही, फिरोज शाह तुगलक के समय में तारीख़ फिरोजशाही लिखा गया था, तो ये संबंधित हो सकता है। तारीख फरुखद्दीन ये नहीं होगा, सुरजन चरित्र पृथ्वी राजराजो। तो यहाँ पे एक पद्धति है कि आप काट के भी सही आंसर पे जा सकते हैं, तारीख़ फिरोजशाही ही होगा, क्योंकि फिरोज शाह के बारे में फिरोज शाह तुगलक MBT मोहम्मद बिन तुगलक, जो जिसे कि इतिहास में पगला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, तो ये तुगलक वंश के इतिहास जो है यह तारीख़ फिरोजशाही में ही संकलित है। और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं जियाउद्दीन बरनी, बरनी ने ही जो है लिखा है, ठीक है। तो इसी ने लिखा था जब अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी ये मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, तो उन्होंने ही लिखा था कि जनता को शासक से और शासक को जनता से मुक्ति मिल गई। तो इस प्रकार से तो ये जो है कथन है, तो ये याद रखना है, तारीख़ फिरोजशाही, तुगलक वंश की इतिहास किस ग्रंथ में संकलित है, तो फिरोजशाही, जो कि लिखा गया है किसके द्वारा, तो बरनी के द्वारा। बरनी का पूरा नाम जियाउद्दीन बरनी था, ठीक है। तो 8 का क्या हो जाएगा आंसर, ए। उसके बाद मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई, तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु जो है वह 1206 ईस्वी में, और इसी के बाद जो है गुलाम वंश का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना करता है। और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हम 1206 आसानी से मार सकते हैं, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई, तो 1206 ईस्वी में। तो यहाँ पे 1206 टिक लगा लेते हैं, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में आपको पता ही होगा दो पानीपत का जो युद्ध होता है, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिस दास वंश का सुल्तान कब बना, तो इल्तुतमिस जो होता है वह कुतुबुद्दीन ऐबक का ही क्या होता है, गुलाम रहता है, जिसने चालीसा जो 40 गुलामों का एक टीम बनाता है, जिसके द्वारा अपने शासन करता है, अपना शासन करता है। तो दास वंश का सुल्तान कब बनता है, तो यह 4 साल का ही इसका पीरियड होता है, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और उसके मृत्यु के बाद जो है यह 1210 ईस्वी में जो है सुल्तान बनता है। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए कि मीडिएवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप मीडिएवल को भी अच्छे से पढ़ेंगे, और मेरे नोट्स में सारे ये अच्छे से क्लियर किया हुआ है, तो अच्छे से आप उसको अगर पढ़ लेते हैं शॉर्ट में, तो अच्छे से आपका ये सारा पॉइंट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, सॉरी यहां पर 1210 ईस्वी में तो कुतुबुद्दीन की मृत्यु हुई थी, लेकिन क्या हुआ था कि उसका बेटा आराम शाह को बनाया गया था, तो एक वर्ष वो रहता है, उसके बाद जो है इल्तुतमिस, इसका दामाद भी रहता है इल्तुतमिस, तो इसने आराम शाह को हरा करके और यह गद्दी पर आया था। तो ये 1211 इसका आंसर हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 का सी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आराम से पेशेंस से आप बनाएंगे, जल्दीबाजी में मिस्टेक होता है। अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया, तो आपको पता ही होगा अकबर ने हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन से तो दिल्ली, ऑप्शन ए है क्या है, दिल्ली, बी है आगरा, सी है फतेहपुर सिकरी, और डी है सिकंदराबाद। आप ऐसा करें कि पॉज कर करके आप जो है ऑप्शंस लिख लें, फिर जो मैं बताता हूं तो वो देखें कि आप सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, आपका सही हो रहा है या नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, कहाँ पर बनाया, तो दिल्ली में बनाया। 12 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, सॉरी 11 का क्या हो जाएगा, ए।
क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए, तो इसमें हम टिक लगा देते हैं। अब शिवाजी के को युद्ध कला में निपुण किसने बनाया, ठीक है, तो शिवाजी को युद्ध कला में निपुण बनाया है वो है दादा कोंडदेव, ठीक है, कौन किए हैं, दादा कोंडदेव, दादा कोंडदेव शिवाजी के गुरु थे, ये याद रखना है आपको, दादा कोंडदेव कौन थे, शिवाजी के गुरु, और उन्होंने ही इनको जो है युद्ध में निपुण बनाया था। उसके बाद हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, ठीक है, हिंद से जो है चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी तो ये कौन थे, तो पुर्तगाली थे, हिंद से चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे, जो कि जिन्होंने कि 1498 ईस्वी में कोचीन में अपना कोठी खोला था। तो ये सब मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स में सारा अवेलेबल है मेरे, तो आप जो है उस नोट्स को जरूर आप थोरली पढ़ें अच्छे से, सारा पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस वहीं से आपके बन जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर्स हो जाएगा पुर्तगाली, ठीक, तो 13 का सी। उसके बाद है नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली पूछा गया है, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स कंबोडिया के शासक थे, ठीक है, कहाँ के शासक थे, तो कंबोडिया के शासक थे, ये याद रखना है आपको। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, जहाँ की ओंकार बाट मंदिर भी है, ठीक है, तो कंबोडिया, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे, कंबोडिया के। तो दक्षिण पूर्वी देशों के साथ जो हमारा जो पौराणिक संबंध है इसको भी आप गौर से जरूर पढ़ लेंगे, और मैं ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा दूंगा आपको, क्योंकि यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है, जो आपके जो प्राचीन इतिहास में गुप्त काल के दौरान जो हमारे देश का संबंध दक्षिण पूर्वी देशों के साथ, जैसे कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, ये सब जो बर्मा वगैरह है, तो वो सबसे था, जहाँ भी आज भी हमारी संस्कृति जो भी है बौद्ध धर्म जैन धर्म वहाँ पे हैं, सॉरी जैन धर्म नहीं बौद्ध धर्म, ठीक है, जिसको मानते हैं वो लोग, और हिंदू धर्म के भी बहुत सारे मंदिर हैं उस उन देशों में, तो ये याद रखना है आपको कंबोडिया, जहाँ की ओंकार बाट मंदिर है। स्वविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो स्वविनय अवज्ञा आंदोलन ये गांधी जी के द्वारा जो शुरू किया गया था, यानी अंग्रेजों के जो भी काम में है अवज्ञा करना, उसके बातों को ना मानना, और यह आपको पता होगा कि यह कब हुआ था, तो यह जो हुआ था 1930 ईस्वी में, स्वविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920, स्वविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में। रंपा विद्रोह आपको पता होगा आंध्र प्रदेश में हुआ था, और यह कितने ईस्वी में हुआ था, तो यह जो हुआ था वो 1916 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, रंपा विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में, और 1916 ईस्वी में, ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद स्पेनिंग जेनी का आविष्कार, यह जब मैं पुनर्जागरण पढ़ाऊंगा उसमें ये सारे टॉपिक उसमें अच्छे से बताऊंगा, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार उसी दौरान हुआ था, और यह काल क्या था, तो इसका समय था 1770 ईस्वी, ठीक है, 1770 ईस्वी में स्पेनिंग जेनी, यह जो है धागा काटने वाली मशीन होती थी, ठीक है, स्पेनिंग जेनी, ठीक है, जो कि इसका आविष्कारक कौन थे, जेम्स हारग्रीव्स, जेम्स हारग्रीव्स, इन्होंने ही जो औद्योगिक क्रांति के दौरान जो है इसका आविष्कार किया था। इसके बाद क्या हुआ कि कपड़े के उद्योग में क्रांति आ जाती है, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति में ही ये सब सारा टॉपिक जो भी आविष्कार हुए उस समय उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। उसके बाद जो है चलिए इसको टिक कर लेते हैं सारे को, 1916 स्वविनय अवज्ञा, 1930 उसके बाद है, यह जो है 1770, ठीक है, ये सब औद्योगिक क्रांति के दरमियान हुआ था। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, तो यह सबसे बड़ी क्रांति जो हुई है तो वो हुआ है आपका औद्योगिक क्रांति, जो कि ब्रिटेन में ये शुरुआत हुआ था, ब्रिटेन ने इसको किया था शुरुआत, ठीक है, और यही सब जो आविष्कार होते हैं पुनर्जागरण और जो उस समय के धर्म सुधार आंदोलन के बाद, ठीक है, तो यही औद्योगिक क्रांति जो सामंतवाद के पतन के बाद ये सब जो स्टार्ट होता है, तो यहीं से जो है याद रखना है आपको कि आधुनिक युग के अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है। मिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे,
ठीक है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, ठीक है। तो ये जो गिरमिटिया मजदूर हैं वो दक्षिण अफ्रीका भेजे जाते थे, और वहीं पे जो है गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका में जो केस लड़े थे तो गिरमिटिया से संबंधित था, गिरमिटिया मजदूर से संबंधित था। तो ये जो भेजे जाते थे वो पश्चिम क्षेत्र से भेजे जाते थे, ठीक है, बिहार के किस क्षेत्र से, तो पश्चिम क्षेत्र से भेजे जाते थे गिरमिटिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था, ठीक है। तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला जो था वो था कैक्सटन, ये याद रखना है आपको, मुद्रण कला ऐसे उसमें आएगा आपको औद्योगिक क्रांति में, तो कैक्सटन था, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कैक्सटन, 20 नंबर का, ठीक है। और सबसे पहले कागज का जो आविष्कार हुआ था स्टूडेंट्स वो चीन में हुआ था, उधर से ही जो है यूनान होते हुए ये सब टेक्नोलॉजी जो है वो जो है कस्तुतुनिया के पतन के बाद जो है ये जाता है और ब्रिटेन तक पहुंचता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैक्सटन, ये याद रखना है कैक्सटन। और ये यहाँ पे पश्चिम क्षेत्र, तो कुछ क्वेश्चंस डीपली भी पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, तो आपको सारा टॉपिक जो है अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। और जो भी बाजार में बुक है तो उस पर सिर्फ वो पढ़ के आपका यहाँ पे जो है निकलने वाला नहीं है, आपको थोड़ा सा 9th-10th के अच्छे से बुक फॉलो करने होंगे और हर एक चीज को ढंग से समझना होगा। अब देखिए किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, तो यह जो है कहा गया था मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा कहा गया था, और इन्होंने ही बोला है, ठीक है। अब उसके बाद है, इसको टिक कर लेते हैं, मार्टिन लूथर किंग। उसके बाद विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत, अब देखिए वही क्वेश्चंस यहाँ पे अभी जो मैं चर्चा कर रहा था तो वही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है कहाँ पे शुरुआत हुई थी, तो चीन में, ठीक है। 105 ईस्वी में क्या हुआ था कि टस्ट पलाई लून जो कि चीन का नागरिक था उसने कपास और मलमल की पट्टियों से कागज बनाए थे, ठीक है। तो ये याद रखना, सबसे पहले जो है चीन में ही मुद्रण तकनीक का विकास हुआ, फिर जो है यह जापान और फिर कोरिया में विकसित होता है। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे, चीन में मुद्रण और कागज का आविष्कार जो भी है वो चीन में ही हुआ है। चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, नहीं आपको पता होगा इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, 1526 ईस्वी में, तो इसको याद रख सकते हैं 1526 27 28, लगातार जो है चार युद्ध होता है, ठीक है, पान खाओ चलो घर जैसे, इसको याद कर सकते हैं, पानीपत का युद्ध 1526, फिर 27 में खानवा का युद्ध, ठीक है, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए यहाँ पे धर्म सुधार से भी पूछे गए, प्राचीन समय के चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में हुआ था, नदिया जो जगह का नाम है नदिया में, ठीक है, और कब हुआ था। अब देखिए क्वेश्चंस थोड़ा सा यहाँ पे डीपली पूछा गया है, तो इनका जो जन्म हुआ था स्टूडेंट्स वो हुआ था 1486 ईस्वी में, यहाँ तक तो आपको याद रहेगा, लेकिन डेट यहाँ पे एग्जैक्ट पूछ दिया गया है, तो ये याद रखेंगे 10 फरवरी 1486 ईस्वी को। और ये कृष्ण भक्त थे और इन्होंने भक्ति के माध्यम से है समाज को बदलने का प्रयास किया है, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन में ये सब चर्चा करेंगे हम लोग, चेतन महाप्रभु का, बंगाल के थे ये। आराम शाह का शासन काल कब से कब तक माना जाता है, ठीक है, आराम शाह जो था वह पता होगा आपको कि वह इसका कुतुबुद्दीन का पुत्र था, और 1210 ईस्वी में क्या होता है कि कुतुबुद्दीन जो है मर जाते हैं, उसके बाद जो है 1211 ईस्वी में, ठीक है, ये 1210 से 11 के कौन रहता है, आराम शाह रहता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको 1210 से 11, आराम शाह का शासनकाल कब से कब तक रहता है, 1210 से 1211, ठीक है। यह लगभग 8 महीने तक ही दिल्ली के गद्दी पे बैठा था, ठीक है, तो 10 से 11। उसके बाद है आपका अमेरिका की खोज
किस वर्ष हुई थी, तो आपको पता होगा ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 1492 ईस्वी में किसने किया था, तो कोलंबस ने किया था। आखिर वो निकला, ऐसे वो निकला था भारत की खोज में, लेकिन वह गलती से कहाँ पहुंच गया था, अमेरिका पहुंच गया था। उसके बाद जो है धन वहां पे जो खनिज संपदा देकर उसे नई दुनिया का नाम दिया गया और ब्रिटेन वासी वहां जाकर के बसने लगे। ठीक है, अब देखिए ये कस्तुतुनिया का पतन, यही जो होता है कस्तुतुनिया का पतन से ही जो है एक प्रकार से पुनर्जागरण स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि यहाँ जो रहते थे पहले विद्वान सब वो जो है इटली रोम में आ जाते हैं, जिस कारण से जो है पुनर्जागरण हो जाता है। तो कस्तुतुनिया का पतन उसी से संबंधित है। तो यह जो स्टार्ट होता है वो किस वर्ष हुआ पतन, तो यह 1453 ईस्वी में। पुनर्जागरण में इसकी चर्चा होगी, अच्छे से होगी, डीपली अच्छे से हम कराएंगे इसको। ठीक है, तो 1453। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। संयुक्त राष्ट्र तो ये आपको पता ही होगा, प्रथम जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो जॉर्ज वाशिंगटन, याद रखना है। ठीक है, यहां पे टिक कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, टाइम लग रहा है। फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई थी, तो 1789 ईस्वी में। ठीक है, फ्रांस की क्रांति आपको पता होगा कब हुआ था, तो 1789 ईस्वी में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, तो ये याद रखना, हेम्फ्री डेवी। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतिहास में, हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। इसके बाद ही जो कोयले खानों में जाना आसान हो गया। जनसंख्या का अधिक घनत्व कहाँ होता है, तो महानगर में होता है, ये तो कॉमन सी बात है। सबसे ज़्यादा गांव, कस्बा, गांव को बोलते हैं ग्राम नगर, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, महानगर में होगा। 1810 से 1880 की लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितनी हो गई, तो स्टूडेंट्स ये 4 गुना हो गया था, और यह औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम था। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा आपका 4 गुना, यानी 40 लाख। ठीक है, 10 लाख से बढ़कर कितनी हो जाती है, 40 लाख। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो कब लाई गई, तो ये लाया जाता है स्टूडेंट्स, 33 का हो जाएगा इसका आंसर आपका डी, 1870 ईस्वी में। तो ये सब ब्रिटेन के जो भी जानकारियां हैं, ब्रिटेन के इतिहास से है ये। उसके बाद अलाउद्दीन ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त की। ठीक है, अलाउद्दीन ने, क्योंकि गुजरात विजय में अलाउद्दीन का हाथ होता है, और आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो है मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, तो यह जो प्राप्त करता है, विजय प्राप्त करता है गुजरात पर, और उसमें बहुत ज़्यादा इसको सोना चांदी प्राप्त होता है। ठीक है, और इसके जो रहते हैं ये अलाउद्दीन जो खिलजी रहता है, वो कब विजय प्राप्त किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1298 ईस्वी में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश, और इसके समय में जो है घोड़े दागने की प्रथा और जो है राजस्व का जो है निर्धारण किया गया था, और मापने की प्रथम घोड़ा दागने की प्रथा, ये सब शुरुआत हुई थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो राजस्व नियंत्रण है वो बहुत अच्छा था शासन में। सरस्वती विकास नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो सरस्वती विकास नामक ग्रंथ की रचना जो है वह शायन ने किया है। किसने किया है, तो शायन ने किया है, तो ये याद रखेंगे आप। 35 का क्या हो जाएगा, सी, 35 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी। तो इस प्रकार से आज मैं 35 क्वेश्चंस आपको करवाता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं शेष क्वेश्चंस दूसरे दिन करवाऊंगा, और साथ साथ पॉलिटी के भी करवा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीका से आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस कोई आसान क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं, तो कुछ जो है मीडिएवल और मॉडर्न, आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस सेक्शन को सबसे पहले आपके बीच में रख दूँ, कवर कर दूँ। स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने जो है 500 चार्ज रखा है। इसमें क्या होगा कि मैं आपको टॉपिक वाइज सारे वीडियो लेक्चर्स पीडीएफ मटेरियल्स आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपके मोबाइल पर भेजूंगा, जो और जो है टेस्ट
में स्टार्ट करने जा रहा हूं और वह टेस्ट सीरीज जो होगा वह 20 से स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से आपको जो है व्हाट्सएप किया जाएगा टेस्ट पेपर, आप वहां टेस्ट करके OMR को फिर जो है स्कैन करके या फोटो खींच करके आप मेरे मोबाइल पर भेज सकते हैं। फिर जो है पूरे बिहार स्तर पर आपको हम रिजल्ट, जितने भी बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं सबका टेस्ट होगा और उसी माध्यम से आपको देंगे। बस आपको इसमें क्या करना है, थोड़ा सा ईमानदारी बरतना है, ठीक है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे नंबर जो है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 7070634348। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।